जो आगे रहे ना आगे बैठ जाए। तो एक बार मैंने एक बात आप अभी मैं महसूस कर रहा था, फिर दो मिनट के लिए ये आप रिपीट करें दोबारा और मैं देखूंगा किसी से बात करें। अगली बार मैं अपना नाम भी प्रतीत होता है कि कितनी आस्था जो है वो माँ के प्रति जो है माँ के भगत रखते हैं। अब मैंने कई बार ये कहा है और आज भी ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर पुंछ का वातावरण जो है इन नवरात्रों में इस किस्म का होता है कि ऐसा लगता है कि एक पूरा का पूरा जो है एक क्या कहते हैं मेला सा सुबह से शाम तक यहाँ पर होता है। सुबह देखिए प्रभात फेरी, सुबह देखिए यहाँ पर जागरण, सुबह देखिए जागरण की कथा, सुबह दिन को देखिए हवन, शाम को देखिए हनुमान जी की यात्रा, शाम को देखिए यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर महाआरती के कार्यक्रम, और अभी यहाँ से जब लोग निकलते हैं तो वो रामलीला के यहाँ पर दर्शन करते हैं। तो इतने कार्यक्रम शायद ही जम्मू कश्मीर में कहीं पर हम लोगों को ये देखने को मिले। तो जो ये भगत है माँ के, ये जो पूरे पुंछ में सनातन का प्रचार है वो इस प्रकार का है कि सनातनी लोग इन नवरात्रों में इतना आगे बढ़ चढ़ कर जो है वो माँ के प्रति और बाकी भगवान सभी भगवानों के प्रति अपना आदर प्रकट करते हैं। एक अजीब सा भाव रहता है इन नवरात्रों के अंदर। मैं आप सबको एक बार पुण्य दोबारा माँ के इस दरबार से आपको शुभकामनाएं देता हूँ और माँ के भक्तों पर ये शांति का जो प्रतीक नवरात्रे जिनको हम मानते हैं सब पर माँ का आशीर्वाद बना रहे। अंत में इस माँ कालका मंदिर के बारे में एक छोटी सी बात मैं जरूर कहूंगा, ये हमारी ईष्ट देवी है, ये हाथ पर सरसू है। आप कुछ भी यहाँ पर मांग के देखिए वो आपको जवाब कुछ देर के बाद मिलेगा। यहाँ आइए, जरूर आइए, माथा टेकिए और माँ से कुछ मांग के देखिए, वो आपका फल जरूर देगी। धन्यवाद।